लंपी वायरस और लोगों में डर का माहौल। गाय भैंसों समेत उनके दूध में भी लंपी के कंटेंट मिल रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो गाय के दूध से उसके बछड़े को खतरा होता है। लंपी वायरस एक महामारी की तरह महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में कहर ढाया हुआ है, जिसकी चपेट में समूचे देश के पशु आ चुके हैं। प्रशासन सभी मुकम्मल कोशिश कर रही है। ऐसे में अब लंपी वायरस से बाधित चिकन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे देख चिकन प्रेमियों में डर बैठ चुका है। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तस्वीरों पर आप गौर करें, किस तरह से लंपी वायरस से ग्रस्त जानवरों में लक्षण दिखाई देते हैं, उसी तरह से चिकन पर भी वैसे ही लक्षण नजर आ रहे हैं। ऐसे में सर्वाधिक चिकन का सेवन करने वाले शहर में क्या चिकन खाना अब सही में सुरक्षित है, ये सवाल निर्माण हो रहा है। लंपी वायरस से हटकर हम चंद्रपुर की बात करते हैं। चंद्रपुर में चिकन की शॉप जगह जगह पर मौजूद है। जहाँ जगह मिली वहाँ चिकन की शॉप खोल दी। चंद्रपुर के तुकुम से एसटी वर्कशॉप तक, वहाँ से मेजर गेट, जिसके बाद दुर्गापुर और फिर कोयना गेट। यहाँ तो रोड पर ही फुटपाथ पर सरेआम मुर्गियों का कत्लेआम होता है और उसकी गंदगी वही सड़क पर या नालियों में बहा दिया जाता है। बड़े बड़े आशियानों की तर्ज पर यहाँ चिकन की शॉप सजाई गई है, जिस पर ना यहाँ का स्थानिक प्रशासन कोई एक्शन लेती है और ना ही जिला प्रशासन। मुर्गियों की खुलेआम होने वाली इस कत्लेआम पर प्रशासन ने मुर्गी विक्रेताओं को एक निर्धारित जगह देने की आवश्यकता है, ताकि उससे होने वाली गंदगी और फैलने वाली बीमारियों से आम जनता को बचाया जा सके। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इन पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने चंद्रपुर के फुटपाथ पर बसे अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने की आवश्यकता है। जिस जगह पर मुर्गियों का खुलेआम कत्लेआम होता है, गंदगी फैलाई जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे अगले एपिसोड में फुटपाथ का मकसद क्या, PWD ने आखिर फुटपाथ को क्यों बनाया, मुर्गियों का कत्लेआम करने के लिए या फिर साइकिल सवार और आम जनता को पैदल चलने के लिए, राहगीरों की सुरक्षा के लिए, आप बने रहे हमारे साथ।